चंपापुर नाम का एक गांव था। वहां पर सुरेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक जेसीबी था, उसी को चलाकर सुरेश का घर चलता था। सुरेश का पड़ोसी अशोक के पास एक ट्रैक्टर होता है, पर उसे कम काम मिलते थे और सुरेश को ज्यादा। इससे अशोक बहुत जलता था। एक दिन वो कहता है, सुरेश तो दिन ब दिन ज्यादा पैसे कमा रहा है और मैं यहाँ खाली बैठे हुए कोई काम नहीं। अगर मुझे कोई काम नहीं तो सुरेश को भी कोई काम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर अशोक रात में सुरेश के घर जाकर जेसीबी को पंक्चर करके रखता है। इस वजह से सुरेश को पंक्चर निकालकर काम पर जाने के लिए देरी होने लगी और रोज रोज का खर्चा भी बढ़ गया। एक दिन सुरेश जल्दी घर वापस आता है, तब उसकी बीवी उसे कहती है, क्या हुआ, आज भी काम नहीं मिला? हाँ, पता नहीं कौन रोज जेसीबी के टायर पंक्चर करके रखता है। परेशान हो चुका हूँ मैं इस बात से। हाँ जी, अब तो घर में पैसे भी कमाने लगे हैं और अगर ऐसा ही रहेगा तो घर कैसे चलेगा? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अभी मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश घूमने के लिए निकलता है। वो काम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़े बाबा की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी है। वो बाबा बहुत कोशिश करते रहते हैं उसे कीचड़ से निकालने की। तभी सुरेश जाकर कहता है, बाबा आप बाजू हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश बड़ी ही ताकत से फंसी हुई बैलगाड़ी को कीचड़ में से बाहर निकालता है। ये देखकर बाबा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा शुक्रिया की क्या बात है, किसी की भी मदद करना तो अच्छी बात है ना। बेटा कब से ये बैलगाड़ी यहाँ फंसी हुई थी, यहाँ से बहुत सारे लोग गए पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम ही एक हो जो मेरी मदद करने चले आए, पर तुम कुछ चिंतित दिख रहे हो बेटा, क्या बात है? सुरेश बाबा को अपने जेसीबी की सारी बात बता देता है। सुरेश की बात सुनकर वो बाबा सुरेश को हवा भरने का एक पंप देते हैं। सुरेश बाबा से कहता है, अरे बाबा इसका मैं क्या करूं, ये मेरे किसी काम का नहीं। इससे अपने जेसीबी के टायर में हवा भरना बेटा, और फिर देखना क्या कमाल होता है। ऐसा कहकर वो बाबा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। सुरेश वो पंप लेकर घर आता है, अपने बीवी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन फिर से सुरेश का जेसीबी का टायर पंक्चर होता है। तब सुरेश बाबा ने दिए हुए पंप से टायर में हवा भरने लगता है। तब एकदम से जेसीबी बोलने लगता है, कहो सुरेश कौन सा काम करना है, पर्वत भी अगर हिलाना है तो बोल दो, मैं वो कर दूंगा। तुम कैसे बात कर सकते हो, ये क्या चमत्कार है? बाबा ने दिए हुए पंप से मैं एक जादुई जेसीबी में परिवर्तित हो चुका हूँ। अब से तुम चिंता मत करो, हम मिलकर बहुत सारे काम करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। अच्छा तो फिर चलो चलते हैं। ऐसा कहकर सुरेश अपना जादुई जेसीबी लेकर काम पर जाता है। उस जादुई जेसीबी से वो बड़े बड़े काम कुछ ही पलों में कर देता है। बड़े से बड़े पत्थर हटाने हो या फिर बड़ी सी इमारत गिरानी हो, जादुई जेसीबी चुटके में कर लेता है। ज्यादा काम कम समय में करने की वजह से सुरेश को बहुत काम और पैसे मिलने लगे। ये देखकर सुरेश की बीवी कहती है, धन्य हो उस बाबा का जिसने तुम्हें ये हवा पंप दिया, आज उनकी वजह से हमें अच्छे दिन देखने मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसी पंप से तो जेसीबी में जादू आ गई है। सुरेश और उसका परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। पर ये बात जब अशोक देखता है तब वो जलन के मारे और भी चूर चूर हो जाता है।
तब अशोक सोचता है, ये क्या, मैं तो रोज जेसीबी को पंक्चर करता हूँ, फिर भी इसे काम और पैसे कैसे मिलने लगे। जरूर कुछ तो चक्कर है, मैं वो ढूंढ के ही रहूंगा। ऐसा सोचकर अशोक एक दिन सुरेश के घर चुपके से जाता है। तब सुरेश जेसीबी से बात कर रहा होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जेसीबी, सही वक्त पर तुम मेरी मदद कर रहे हो। तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जेसीबी को बोलते देख अशोक को सारी बात समझ जाती है और वो सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सुरेश का मामूली जेसीबी अब जादुई बन चुका है। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं। ऐसा सोचकर अशोक क्या किया जाए ये सोचता ही रहता है। तब उसे एक आइडिया आता है। उसने एक पिक्चर में देखा था कि कैसे रोबोट से काम करवाया जाता है। अगर मैं उस जेसीबी को हानि पहुंचाऊंगा तो वही अपना जादू से मुझे मार देगा। मैं अपने ट्रैक्टर को ही एक रोबोट बनाता हूँ, फिर मेरा रोबोट उस जादुई जेसीबी को मार गिरा देगा। जेसीबी का जादू मेरे रोबोट पर नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर अशोक अपनी दोस्त की मदद से ही अपने ट्रैक्टर को जायंट ट्रैक्टर रोबोट में परिवर्तित करता है। अपने साधारण ट्रैक्टर को जायंट रोबोट में बदला हुआ देख उसे बड़ी खुशी होती है। वो दूसरे दिन सुरेश के घर जाता है और कहता है, सुरेश, अरे ओ सुरेश, कहाँ हो, देखो मेरे पास क्या है। अरे तुम्हारा ट्रैक्टर इतना बड़ा कैसे हो गया, ये तो कमाल है। अरे तो क्या, कमाल सिर्फ तू ही कर सकता है। मतलब मैं समझा नहीं अशोक। मुझे सब पता है तुम्हारे जादुई जेसीबी के बारे में, लेकिन मेरा ट्रैक्टर भी अब कम नहीं, ये जायंट ट्रैक्टर रोबोट बन गया है। ऐसा कहकर अशोक अपने पास रखे हुए रिमोट की बटन दबाता है, वैसे ही वो एक जायंट ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर सुरेश हैरान होता है और वो कहता है, अरे अशोक ये तो अद्भुत है, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जायंट ट्रैक्टर रोबोट सर्वश्रेष्ठ है या फिर तुम्हारा जादुई जेसीबी। चलो एक मुकाबला हो जाए। लेकिन उसकी क्या जरूरत है अशोक। अरे तेरी अकड़ ठिकाने लगानी है मुझे। अशोक के ऐसा कहते ही जेसीबी सुन लेता है और वो बाहर आकर कहता है, मुझे मंजूर है, तो कल मिलते हैं गांव के मैदान में। जादुई जेसीबी और जायंट ट्रैक्टर रोबोट के बीच मुकाबला चालू होता है। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाते हैं। पहले जेसीबी अपना कोई जादू का इस्तेमाल नहीं करता। पर अशोक वो सोचता है, अब सही समय आया है, अभी इस जादुई जेसीबी को आग के हवाले करता हूँ। ऐसा सोचकर अशोक अपने पास रखे हुए रोबोट के रिमोट का एक बटन दबाता है और रोबोट में से आग निकलने लगती है। फिर जेसीबी भी अपना जादू आजमाता है और ढेर सारा पानी उस रोबोट पर डालता है। पानी की वजह से रोबोट की आग बुझ जाती है। रोबोट के पार्ट्स में पानी जाने की वजह से रोबोट अपना काम करना बंद करता है और रोबोट का फंक्शन बिगड़ जाता है और वो अशोक के पीछे पड़ता है। उसे उठाकर जोर जोर से उछालने लगता है। अशोक चिल्लाने लगता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया, तू तो मेरा रोबोट है, छोड़ दो मुझे। अरे तुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है, तुम ही हो जो हमेशा मुझे पंक्चर करते थे, आज भी मुकाबले के बहाने तुमने छल ही किया, इसकी सजा ही तो तुम्हें मिल रही है। नहीं नहीं जादुई जेसीबी, छोड़ दो उसे, मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया, तुम भी कर दो। सुरेश की बात सुनकर जादुई जेसीबी अशोक को छोड़ देता है और रोबोट को भी वो जेसीबी तोड़ फोड़ के खत्म कर देता है और अशोक को आगे से ऐसा कुछ नहीं करने का वादा लेता है।